हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार इनोवेशन वाईफाई स्टडी में। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है भी हमारी डेली क्लास रहती है सुबह 10 बजे, जिसमें हम बायोलॉजी के क्वेश्चन करते हैं जेट, आईसीआर और बीएचयू के लिए, ठीक है ना। तो जितने भी फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। जिसने भी अपने फ्रेंड्स के पास शेयर नहीं किया है क्लास को तो एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी फ्रेंड्स जुड़ जाएं। अभी हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी के 24 क्वेश्चंस, ठीक है ना दोस्तों। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बीमारी उत्पन्न करने वाले जैव कारक कहलाते हैं। बीमारी उत्पन्न करने वाले जैव कारक कहलाते हैं। ऑप्शंस है वेक्टर, बैक्टीरिया कारक, रोग कारक। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। बीमारी उत्पन्न करने वाले जैव कारक कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रोग कारक, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, बीसीजी टीके में बी का अर्थ बताना है आपको। बीसीजी का टीका होता है उसमें बी का अर्थ क्या होता है। ऑप्शंस है ब्राउन, बैक्टीरिया, बिग, बेसिलस। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स, सभी का आंसर आना चाहिए। बीसीजी टिक्के में बी का अर्थ बताना है आपको। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा बेसिलस, डी ऑप्शन यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, जीन की इकाई है। जीन की इकाई है, ऑप्शंस है जीन, कोशिका, जीव, डीएनए। थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। जीन की इकाई है। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा कोशिका, बी ऑप्शन यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, अनुवांशिकी की इकाई है। अनुवांशिकी की इकाई है, ऑप्शन है जीन, गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए। चार नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए भी। अनुवांशिकी की इकाई है तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जीन, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने है, उपास्थि निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती। उपास्थि निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती। ऑप्शन है नाक में, कंठ में, वक्कर में, कान में। चलिएगा फाइव नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। उपास्थि निम्न में किसमें नहीं पाई जाती। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वक्कर में, सी ऑप्शन यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा ऊतक ग्रंथि का निर्माण करता है। क्वेश्चन है कौन सा ऊतक ग्रंथि का निर्माण करता है। ऑप्शन है उपकला, पेशीय, तंत्रिका, श्योंजी। छह नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए, कौन सा ऊतक ग्रंथि का निर्माण करता है। छह नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा उपकला, ए ऑप्शन आपका यहां पे राइट आंसर होगा, ठीक है ना उपकला। सात नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसमें एक परत होती है। निम्नलिखित में से किसमें एक परत होती है। ऑप्शंस है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम, रसधानी। सात नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए भी।
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा रसधानी, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रसधानी में एक परत होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, ऑप्शंस है हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, ऑल ऑफ दीज। चलिएगा आठ नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी हरित लवक में भी डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है और केंद्रक में भी डीएनए पाया जाता है, यानी ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, रंग के आधार पर लवक कितने प्रकार के होते हैं, रंग के आधार पर लवक कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 5। नौ नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 3, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रंग के आधार पर लवक है वो 3 प्रकार के हैं, यानी 3 प्रकार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखा था, क्वेश्चन है जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखा था, ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ने, यूवेन होक ने, श्वान वेस्लाइडेन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यूवेन होक ने, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग बताना है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, ऑप्शन है तारक काय, लैन काय, हरित लवक, राइबोसोम। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हरित लवक, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है अंतःपरद्वी जालिका की खोज की थी, अंतःपरद्वी जालिका की खोज की थी, ऑप्शन है पोर्टर ने, डार्विन ने, हक्सले ने, पुरकिंजे ने। चलिएगा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पोर्टर ने, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतःपरद्वी जालिका की खोज पोर्टर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है राइबोसोम की खोज की थी, राइबोसोम की खोज की थी, ऑप्शन है फोंटाना ने, बेंडा ने, पोर्टर ने, प्लेड ने। चलिएगा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। तो 13 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा प्लेड नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम की खोज की थी, प्लेड नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम की खोज की थी, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, सामान्य रूप से भोजन का संग्रह कहाँ होता है, सामान्य रूप से भोजन का संग्रह कहाँ होता है, ऑप्शंस है मृदुतक में, दृढ़ोतक में, स्थूल कोण उत्तक में, ए व बी दोनों में। चलिएगा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। जितने भी फ्रेंड्स क्लास को देख रहे हैं, जिसने भी लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी फ्रेंड्स को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स,
ताकि सभी दोस्तों का सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। 14 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा मृदुतक, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है उपकला उत्तक का मुख्य कार्य है, उपकला उत्तक का मुख्य कार्य है, ऑप्शन है सवहन, जनन, रक्षा, उत्सर्जन। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए, उपकला उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा उपकला उत्तक का मुख्य कार्य होता है रक्षा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुँचता है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुँचता है, ऑप्शन है किण्वन, विसरण, दहन, प्रकाश संश्लेषण। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा भाई, सोलह नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा विसरण के द्वारा पौधे में जो ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है, विसरण यहां पे आपका राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की प्रीणति क्या होती है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की प्रीणति क्या होती है, ऑप्शन है विघटन, दहन, परिवहन, संश्लेषण। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, सभी का राइट आंसर आना चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है, ऑप्शन है ग्लूकोज, स्टारच, सुक्रोज, प्रोटीन। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, क्वेश्चन है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, ऑप्शन है 90/60, 120/80, 200/130, 140/160। चलिएगा 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। 120/80, बी ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, ऑप्शन है पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर, एरेक्वाइड। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा दोस्तों, सभी का आंसर आना चाहिए। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है ड्यूरामीटर, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रण करता है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, ऑप्शन है ऑप्टिकल पाली, धारेन्द्रीय पाली, शेरी ब्रम, इनमें से कोई नहीं।
21 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। तो मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है घ्राणेन्द्रिय पाली, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। ऑप्शंस है सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, स्पाइनल कॉर्ड। चलिएगा 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सेरिब्रम, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिएगा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। ऑप्शंस है सोमैटोस्टेनिन के कारण, ग्लूकागन के कारण, गैस्ट्रिन के कारण, इंसुलिन के कारण। चलिएगा 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो नियंत्रित रहता है, किसके कारण रहता है? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इंसुलिन के कारण, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 23 क्वेश्चंस किए हैं, सभी के सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स, जैसे ही आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना, ताकि सभी फ्रेंड्स को उस क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट क्लास लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। एक आपकी क्लास 10:30 अभी फिजिक्स वाली चलने वाली है, जेट आई सी और RPVT के लिए दोस्तों, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।